यवतमाल जिले के दिग्रस शहर के युवा उद्योजक प्रणीत मोरे ने हाल ही में युवा सेना प्रमुख आदित्य ठाकरे के हाथों शिवबंधन बांधकर शिवसेना पार्टी में प्रवेश कर बीते कई दिनों से दिग्रस शहर में जारी कई तरह की राजनीतिक अटकलों को विराम दे दिया है। पेश है दिग्रस से संवाददाता जुबैर खान की यह रिपोर्ट। मुंबई में हाल ही में युवा सेना प्रमुख तथा पर्यावरण मंत्री आदित्य ठाकरे ने दिग्रस शहर के युवा उद्योजक प्रणीत मोरे को शिवबंधन बांधकर उनका पक्ष प्रवेश निश्चित किया है। इस दौरान आदित्य ठाकरे, नगर विकास मंत्री एकनाथ शिंदे, परिवहन मंत्री अनिल परब, दिग्रस दारवा विधानसभा क्षेत्र के शिवसेना विधायक संजय राठौड़, पूर्व दिग्रस शिवसेना शहर प्रमुख संजीव चोपड़े, पत्रकार अफजल खान प्रमुख रूप से उपस्थित थे। इस बीच शुक्रवार को मुंबई से दिग्रस शहर लौटे प्रणीत मोरे का शहर शिवसेना पदाधिकारी और कार्यकर्ताओं सहित प्रणीत मोरे समर्थकों ने बैंड बाजे के साथ हर्षोल्लास के साथ उनका स्वागत किया। इस मौके पर शहर शिवसेना कार्यालय पहुंचकर मोरे का शिवसेना पदाधिकारी और महिला आघाड़ी की ओर से स्वागत किया गया। इस दौरान प्रणीत मोरे ने NBCN न्यूज के समक्ष शिवसेना पक्ष प्रवेश की खुशी का इजहार किया है। तसेच आदरणीय युवासेना पक्षप्रमुख आदित्यजी ठाकरे, एकनाथ साहेब शिंदे यांच्या प्रमुख उपस्थितीत माननीय आमदार युवा नेतृत्व कर्तव्य दक्ष आपल्या सर्वांच्या आवडते आमदार संजयभाऊ राठोड यांच्या मार्गदर्शनाने आज मी आपल्या परिवारामध्ये प्रवेश केला आहे। आज मोठ्या थाटाने सन्मानाने तुम्ही माझं इथं सहर्ष सुंदराने स्वागत केला आहे। त्याच पद्धतीने आपल्या सहकार्याची अपेक्षा आणि आपल्या सहकार्याच्या मार्गदर्शनाने येणारी नगरपरिषद असो येणारी विधान परिषद असो आपण एक स्वबळाने लढवू आणि स्वबळाने एखादी सत्ता आपण आपल्या पक्षातर्फे घेऊ। कुल मिलाकर देखा जाए तो प्रणीत मोरे एक युवा उद्योजक है जिसने कम समय में विभिन्न सामाजिक कार्यों से एक बड़ा युवा समर्थक वर्ग जुटा लिया है। ऐसे में कल तक सामाजिक कार्यों के लिए परिचित प्रणीत मोरे ने शिवसेना में अधिकृत तौर पर प्रवेश कर अपने राजनीतिक सफर का आगाज कर तो लिया है, लेकिन आगामी समय में दिग्रस शहर की राजनीति का क्षेत्र प्रणीत मोरे को कितना रास आता है यह देखने वाली बात होगी। BCN न्यूज के लिए दिग्रस से जुबैर खान की रिपोर्ट।